रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि दलित उपेक्षित में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, स्वार्थी लोगों में मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। ऐसा मायावती ने आगे कहते हुए कहा कि एक ऐसा है जो मेरी गैरहाजिरी में घर से चला गया। मेरे दिल्ली निवास पर सीबीआई छापे के बाद सब कुछ चला गया, तब से ही छोटा भाई आनंद सेवा में लगा है। मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने कहा कि आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर मेरी सेवा पार्टी के कार्य में लगा है, स्वार्थी लोगों ने कागजी संगठन बनाया है। ऐसा मायावती ने बताया। बामसेफ और डीएसपुर के नाम पर अनेकों कागजी संगठन हैं, ये सामाजिक चेतना पैदा करने की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मायावती का बड़ा बयान सामने है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके बताया कि दलित व उपेक्षित में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। वह एक ऐसे ही जो मेरी गैरहाजिरी में मेरे दिल्ली निवास पर सीबीआई छापे के बाद परिवार सहित चला गया, तब से ही छोटा भाई आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर परिवार के साथ मेरी सेवा व पार्टी कार्य में लगा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दूसरे लाइन में ट्वीट करते हुए कहा कि जबकि इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने खासकर बामसेफ व डीएसपुर आदि के नाम पर अनेकों प्रकार के कागजी संगठन बनाए हुए हैं, जो सामाजिक चेतना पैदा करने के आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, और अब यही कार्य बीएसपी के कुछ निष्क्रिय हुए लोग भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तीसरे लाइन में ट्वीट करते हुए कहा कि इस प्रकार से बीएसपी को कमजोर करने हेतु जातिवादी शक्तियां यहां पर्दे के पीछे से सब षड्यंत्र करती रहती हैं, साथ ही उनसे कागजी पार्टियां बनवाकर चुनाव में दलित व शोषित का वोट बांटने का घातक कोशिश करती हैं। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में इन सभी से सावधान रहने की अपील करती है बीएसपी।